नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। मंडी में लगातार फ्रासबिन की आपूर्ति जारी है। फ्रासबिन की बड़ी खेप वैन में सोलन मंडी में पहुंची है। सोलन और सिरमौर जिला से फ्रासबिन मंडी में लगातार आ रही है। फ्रासबिन की लगातार आपूर्ति जारी है। कल जहां मंडी में फ्रासबिन का रेट 54 रुपये प्रति किलो तक रहा था, आज रेट में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। 60 रुपये के आसपास आज रेट रह सकता है, इस तरह की संभावना है। हालांकि रेट अभी खुला नहीं है क्योंकि बोली अभी थोड़ी देर में लगेगी और अभी फ्रासबिन मंडी में पहुंच रही है। धीरे धीरे मंडी में फ्रासबिन की आपूर्ति हो रही है और थोड़ी देर बाद फ्रासबिन की बोली लगेगी, लेकिन आज फ्रासबिन के रेट में जरूर तेजी होगी ऐसी पूरी संभावना है। 60 रुपये के आसपास रेट रहने की उम्मीद बताई जा रही है। कल भाव में थोड़ी गिरावट थी, 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में फ्रासबिन बिकी थी और इसका कारण ये भी था कि कल सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में फ्रासबिन की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई थी, तो उसकी वजह से रेट में थोड़ी गिरावट फ्रासबिन के कल देखने को मिली। लेकिन आज फ्रासबिन के रेट में तेजी हो सकती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हर जगह पर फ्रासबिन की आपूर्ति हो रही है। सोलन सब्जी मंडी में लगातार यदि हम बात करें तो फ्रासबिन है और लहसुन आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। लहसुन के रेट में तेजी भी देखने को मिल रही है। लहसुन के भाव बढ़े भी हैं और 170 रुपये से लेकर 160 रुपये के बीच में तो आम लहसुन का रेट चला ही हुआ है, लेकिन अगर टॉप क्वालिटी हो तो 170-175 रुपये तक भी लहसुन सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो इस तरह के रेट है, लेकिन वो बहुत कम लॉट होते हैं, 5-6 बोरियाँ होती है जो 170 रुपये से ऊपर बिकती है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में फ्रासबिन की आपूर्ति लगातार जारी है, बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में फ्रासबिन आ रही है। रेट की बात करें तो रेट आज मंडी में 60 रुपये के आसपास रहने की संभावना है। कल 54 रुपये था, आज दिल्ली की मार्केट में फ्रासबिन के रेट में तेजी है, तो उसी का ही परिणाम है कि आज मंडी में फ्रासबिन का रेट बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और इसे देखते हुए किसान सोलन सब्जी मंडी में आज फ्रासबिन बड़ी मात्रा में लेकर आ रहे हैं। तो सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ सुबह से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में फ्रासबिन की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो रही है। सोलन और सिरमौर जिला से मंडी में फ्रासबिन पहुंच रही है। फ्रासबिन के कल रेट 54 रुपये थे, परसों 63 थे, उससे पहले 72 रुपये थे, कई दिनों तक 70 रुपये से ऊपर ही फ्रासबिन का रेट बना रहा, लेकिन आज फिर 60 रुपये के आंकड़े को फ्रासबिन छुएगी, इस तरह की पूरी संभावना है। वजह है कि दिल्ली की मार्केट में भी फ्रासबिन के रेट में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, तो उसका असर सोलन की मंडी पर भी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आज दूर दराज के क्षेत्रों से सोलन सब्जी मंडी में फ्रासबिन इस वक्त पहुँच रही है। फ्रासबिन की बड़ी खेप सोलन सब्जी मंडी में आ गई है, लेकिन अभी बोली नहीं लगी है, बोली अभी थोड़ी देर बाद लगेगी। वजह है कि अभी कई जगहों से फ्रासबिन आनी बाकी है और उसका इंतजार यहाँ पर हो रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आशु पंवर जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, मदन ठाकुर जी, मोहम्मद परवेज जी और इंद्रपाल शर्मा जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का स्वागत है, धन्यवाद जी।